हालात देखिए जो आपकी आंखें खोल देंगे। आप देखेंगे कि खड़े होने के लिए ट्रेन में जगह नहीं है। बांद्रा से ही गाड़ी रिटर्न आदमी गए हैं, जर्नल में नहीं भर पाए, छूट गए। यहाँ वो वापी में छूटे हैं 150 आदमी 200 आदमी। भारत में सफर कर पाएंगे आप? नहीं सर, नहीं कर पाएंगे, कभी भी नहीं कर पाएंगे। हम लोग रोज कमाने खाने वाले हैं, हम लोग को बस लगता है कि भगवान करे हर ट्रेनों में जर्नल बढ़ा दिया जाए। इधर तो पूरा तरह से पूरा जाम लगा हुआ है, 4 दिन से ऐसे ही हम लोग खड़ा हूँ। नहीं मिल रहा है तो आपने खुद ही देखिए, सीट नहीं मिल रहा है तो खुद ही सीट एक ईजाद कर लिए। तो ऐसे कितने घंटे लटके रहेंगे आप? अबे 24 घंटे। त्योहारों के इस मौसम में भारतीय ट्रेनों का क्या हाल है ये मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ। छठ पर्व मनाया जाना है और बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो ट्रेनों में सफ़र करते हैं। खासतौर पर उत्तर भारत में बड़े हर्षोल्लास के साथ छठ का पर्व मनाया जाता है। सूर्यदेव की उपासना का ये पर्व है और ऐसे में साल में कम से कम एक बार महाराष्ट्र में रहने वाले जो तमाम लोग हैं, जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, बिहार के निवासी हैं, वो अपने घरों की तरफ जाते हैं छठ पर्व मनाने के लिए। और ऐसे में ट्रेन सबसे उनका लिए एक मुफीद जरिया है। लेकिन ट्रेनों की क्या हाल है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस वक्त मैं जबलपुर रेलवे स्टेशन पर खड़ा हुआ हूँ और आपको बांद्रा से पटना के बीच में चलने वाली ट्रेन का ये हाल दिखा रहा हूँ। ये भगत सिंह भगत की कोठी एक्सप्रेस ट्रेन है और आप देखेंगे कि ट्रेन के गेट पर ही लोग इस तरह से बड़ी संख्या में खड़े हुए हैं, भीतर झांकना भी मुश्किल हो रहा है। लेकिन जानना चाहूँगा भीतर क्या हाल है। भीतर तो पूरा तरह से पूरा जाम लगा हुआ है, 4 दिन से ऐसे ही हम लोग खड़ा हूँ। कब सफ़र के लिए निकले थे आप? 10 बजे रात को। कहाँ से चले हैं? वापी से। और छठ पर्व मनाने जा रहे हैं? हाँ। क्या स्थिति बन गई है अंदर? अंदर तो पूरा तरह है, बुरी तरह से हम लोग खड़े हूँ, कहीं ने खाना पीना नहीं। अभी जबलपुर में थोड़ा सा ये। कितने घंटे का सफ़र है ये? 36 घंटा का। और 36 घंटे का सफ़र, साथ में आपके परिवार के लोग भी होंगे, कैसे यहाँ पर गुजर कर पा रहे हैं? यहाँ गुजर कर रहे हैं, देखो ऐसा कि आदमी को बैठने के लिए नहीं, बाथरूम के पास खड़ा है, सब कुछ है, ऐसा फैमिली लोग सब है। क्या स्थिति है अभी तक? अभी तक तो एकदम पूरी गर्दिश बनी हुई है। रेलवे से क्या डिमांड है आपकी सरकार से? रेलवे से यही है कि भाई पर्वों पर स्पेशल चलाया जाए और चलाया जाए, और क्या डिमांड होगी। क्या कहेंगे सरकार से? सरकार से यही कहूँगा कि अभी भी टिकट तो भी नहीं मिल रहा है, 10 दिन चाहे 1 महीना 2 महीना पहले वो भी खड़ा था, अभी कुछ नहीं मिल रहा है, न जनरल टिकट न तो कुछ भी। अभी प्लेटफार्म टिकट भी लेने जाएगा तो मना कर देते हैं। तो देखिए मैं आपको ये हाल दिखा रहा हूँ, जबलपुर स्टेशन ट्रेन ये पहुँची हुई है, ये बांद्रा से पटना के बीच में चलती है। लेकिन भीतर मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको हालात दिखा पाएँ तो कितने गंभीर हालात हैं कि हम तो भीतर दाखिल ही नहीं हो पा रहे हैं। और भीतर आप देखेंगे कैसे खचा खच जो लोग हैं वो भीतर ट्रेन में भरे हुए हैं। और इनसे जानना चाहूँगा क्या स्थिति है यहाँ? बहुत है, भरा हुआ है एकदम, स्थिति ऐसी, आदमी लेट खड़ा नहीं हो पा रहा है, एक पैर से खड़े होके जा रहा है। अपनी जगह से हिल पा रहे हैं इस सफर में आप लोग? बाथरूम करने के लिए जा नहीं पा रहा है आदमी, जगह से एकदम नहीं हिल पा रहा है। क्या मांग करेंगे सरकार से? मांग यही है कि इसका भी जनरेशन करे, इसका भी टिकट निकल रही है, जो इसका भी एक जनरल जैसे पहले जाती थी वैसे ही जाए, सब भर के ना जाए इतना। इसके लिए कोई ट्रेन स्पेशल ट्रेन चलाए कि हम लोग को प्रॉब्लम ना हो वहाँ जाने के लिए। जाहिर सी बात है जनता परेशान है, क्या कहेंगे इन हालातों पे? इन हालातों पे हम ये कहेंगे कि जो एक्सप्रेस में लोकल लोग चढ़ते हैं, मजदूर लोग चढ़ते हैं, उनके लिए जो है जनरल बोगी 2 और 3 से कम नहीं होनी चाहिए, आगे पीछे 2-3 आगे 2-3 पीछे, जिससे कि जो झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग हैं, मजदूरी करने आने जाने वाले लोग हैं, उनको थोड़ा राहत मिले। हम सरकार से यही दरख्वास्त करेंगे। और स्थिति क्या हो गई है? लेकिन स्थिति तो इतनी गंभीर है कि हम दशहरे में जबलपुर आए थे, हम स्वयं इंटरसिटी हावड़ा जो चलती है उसमें हम गए थे, 2 आदमी को इतनी भीड़ थी कि 2 आदमी को उल्टी करते, उल्टी दस्त होने लगी थी उनको, हम उनको खुद बाहर करेंगे, भैया तुम दूसरे ट्रेन पर जाओ, इसमें जाओगे तो तुम खत्म हो जाओगे, हम अपने हाथों से उनको बाहर किए थे। तो यानी जीवन का संकट है, जीवन का कैसा संकट है, आप देखिए सांस लेना भी मुश्किल होगा, इतनी भीड़ जो है खचाखच भरी हुई है। आप देख पा रहे हैं कि महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, और छठ का पर्व मनाने के लिए ये अपने क्षेत्रों में जा रहे हैं, अपने जिलों में जा रहे हैं। लेकिन
ट्रेनों का सफ़र जो है उनके लिए किसी टॉर्चर से कम साबित नहीं हो रहा है। आप क्या कहेंगे सर सरकार से? सर बहुत परेशानी, और क्या बहुत परेशानी है सर सरकार से, क्या बोलो, मतलब ट्रेन चालू होना चाहिए, मतलब त्यौहार उवहार में ट्रेन चालू होना चाहिए सरकार से, यही कहना चाहिए और क्या। मतलब हर आदमी तो तीन महीना चार महीना पहले टिकट पा रहे हैं कि महिलाएं बच्चे भी सफ़र कर रहे हैं तो बड़े परेशानी होगी। बहुत परेशानी है, तो महिला बच्चे को सुबह से टॉयलेट वॉलेट जाने का कोई सुविधा ही नहीं है, कोई व्यवस्था ही नहीं जाने का। तो चलिए ये भी देख लेते हैं कि अगर इस लंबे सफ़र के दौरान, 36 घंटे का ये सफ़र है देखिए, और ऐसे में अगर किसी भी एक पैसेंजर को अगर वॉशरूम यूज़ करना है तो वो कैसे वॉशरूम यूज़ करेगा? आप देखिए हालात, देखिए जो आपकी आंखें खोल देंगे, आप देखेंगे कि खड़े होने के लिए ट्रेन में जगह नहीं है, और ऐसे में देखिए नज़ारा देखिए जरा कि भीतर लोग जो है किस तरह से एक एक इंच जगह के लिए जद्दोजहद यहाँ पर करते नज़र आ रहे हैं। बीच में इस तरह से उन्होंने लोगों ने कपड़े बांधते हुए, गमछे बांधते हुए एक देसी जुगाड़ भी कर लिया है और कुछ सहारा लेने की कोशिश कर रहे हैं। आप यहाँ भी देखेंगे ये शख्स जो है इन्होंने एक देसी जुगाड़ किया हुआ, किस तरह से एक शॉल बांधी हुई है और उसमें सवार है। क्या स्थिति बन गई है यार, ये क्या देसी जुगाड़ किया आपने? हाँ हुआ है, क्या सीट नहीं मिल रहा है, सीट नहीं मिल रहा है तो आपने खुद ही, देखिए सीट नहीं मिल रहा है तो खुद ही सीट एक ईजाद कर लिए। तो ऐसे कितने घंटे लटके रहेंगे आप? अबे 24 घंटे और 36 घंटे तक लटके रहेंगे, क्या स्थिति है? बहुत बुरी स्थिति है, बहुत बहुत गंभीर स्थिति है, और ये 2-3 दिन के अंदर में से और ज्यादा गंभीर स्थिति है। क्या मांग करेंगे सरकार से? सरकार से ही मांग करें, हम लोग को कुछ सुविधा दे आने जाने के लिए, और क्या मांग कर सकते हैं? क्या कहेंगे? बांद्रा से ही गाड़ी रिटर्न आदमी गए हैं, जर्नल में नहीं भर पाए, छूट गए, यहाँ पर वापी में छूटे हैं 150 आदमी 200 आदमी, नहीं चढ़ पाए, 3 जर्नल 2 जर्नल से क्या होने वाला है सर? जर्नल बढ़ाना चाहिए, बैटिंग बंद कर दिए हैं तो जर्नल तो बढ़ाना चाहिए, 4-5 बोगी देना चाहिए। सरकार तो वंदे भारत चला रही है यात्रियों की सुविधा के लिए, उसमें भी खाली नहीं सर, कोई गाड़ी अब बताइए आप यहाँ देख के, कोई भी गाड़ी नहीं खाली है। वो आप ही के लिए, बांद्रा के लिए, उधर क्या कहला सूरत के लिए गाड़ी बढ़ाना चाहिए, बोगी गाड़ियाँ बढ़ानी चाहिए, और खास तौर पर जनरल को जहाँ पर एक आम गरीब जो है जी वो सफर कर पाए। वंदे भारत में सफर कर पाएंगे आप? नहीं सर, नहीं कर पाएंगे, कभी भी नहीं कर पाएंगे। हम लोग रोज कमाने खाने वाले हैं, हम लोग को बस आम आदमी कम से कम संतुष्टि से जा सकता है, जाएगा ऐसा ही, खैर फुल तो वो भी चलेंगी। कहाँ से कहाँ जा रहे हैं आप? मैं तो सर आया था यहाँ से, क्या नाम है, हाटा से, फिर भाई बस से फिर यहाँ जा रहा हूँ सतना। तो ये स्थिति देख कर क्या कहेंगे आप? अब हो गया, भगवान का नाम लेके चल रहे हैं, जब तक सांस है तो लड़ेंगे, जाएंगे, पहुंचना है गंतव्य। आप युवा हैं, आप बताइए आज टेस्टिंग हो गई फिजिकल फिटनेस की आपकी? टेस्टिंग तो हो रही है सर, बहुत अच्छी दिख रहा है। कब से खड़े हुए हैं? अभी जस्ट सर इसी स्टेशन से चढ़े हैं, कटनी तक जाना है। और अगर किसी को वॉशरूम यूज करना होगा तो कैसे करेगा वो? वॉशरूम तो जा ही नहीं पाएंगे सर, वो वॉशरूम में ही बैठे हैं, तोड़ के वॉशरूम बैठना पड़ रहा है सर। कैसे जाएंगे सर वॉशरूम, अगर किसी बच्चे को, महिला को जाना हो? कैसे जाएंगे, जगह है नहीं जाने के, हम खुद स्टाफ के हैं, खड़े खड़े जा रहे हैं। तो देखिए खड़े खड़े लटके लटके, लेटने की बात तो बहुत दूर की बात है, लेकिन आप देखिए कि भारतीय ट्रेन भारत की हम कहें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की है, रीढ़ है, और इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है उन लोगों को है, उस गरीब तबके को है जिसकी जेबें जो हैं वो और किसी महंगे साधन का इस्तेमाल करके सफ़र करने की इजाज़त नहीं देती। लेकिन जो भारतीय ट्रेन के ये जो डिब्बे हैं ये इस तरह से यात्रियों के लिए एक टॉर्चर का सबब यहाँ पर बन रहे हैं। लोग जैसे तैसे जो हैं अपने मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं, छठ पर्व मनाना चाहते हैं, लेकिन बीच में इस तरह की ट्रेनें हैं। लोग कहते हैं कि इस मामले पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, रेलवे मंत्रालय को संज्ञान लेना चाहिए, हर ट्रेन में जनरल बोगीज की संख्या जो है बढ़ाई जानी चाहिए। लेकिन देखते हैं कि अधिकारी इन हालातों पर क्या कहते हैं, पश्चिम मध्य रेलवे के अधिकारी यहाँ के CPRO इन हालातों पर क्या कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि दिवाली एवं छठ के जो फेस्टिवल्स थे वो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं भारतीय जनता के लिए। इसके लिए भारतीय रेल ने एवं पश्चिम मध्य रेल ने स्पेशल इंतजाम किए गए थे यात्रियों के लिए, यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए। इसके लिए ट्रेनों, मतलब कुछ स्पेशल ट्रेन्स थी जो कि कई ट्रेनों के कुछ फेरे चलाए गए, कई ट्रेन के सिंगल फेरे चलाए गए स्पेसिफिकली। जैसे कल
यहाँ से जबलपुर से निज़ामुद्दीन के लिए एक स्पेशल ट्रेन चलाई गई। यात्रियों की भीड़ को ध्यान में रखते हुए, यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए किया गया। इसके अतिरिक्त क्योंकि प्लेटफॉर्मों पर बहुत भीड़ हो रही है तो उसको ध्यान में रखते हुए RPF का अच्छा खासा डिप्लॉयमेंट अभी किया गया है। टिकट काउंटर्स बढ़ाए गए हैं, हेल्प डेस्क बनाई जा रही हैं एवं किसी भी तरह की कंप्लेंट को एड्रेस करने के लिए हमारा जो जनरल सिस्टम है 139 वाला या फिर ट्विटर के माध्यम से वह पूरी तरह से ओपन है एवं यात्री को कोई भी दिक्कत है, कोई भी किसी भी तरह की मतलब परेशानी हो रही है तो उस पर तुरंत वो करके मैसेज करके वो पा सकता है, सोल्यूशन पा सकता है। इसके अतिरिक्त मैं बताऊँ तो स्टेशनों पर मेडिकल सुविधाएँ भी प्रदान की गई हैं, वो राउंड द क्लॉक रहती हैं लेकिन अभी थोड़ी बढ़ाई गई थी क्राउड को, रश को देखते हुए। तो इस तरह से हम लोग कृत संकल्पित हैं कि जो यात्री हैं उनको किसी भी तरह की असुविधा का सामना ना करना पड़े। उसको लेकर विशेष, हाँ बिल्कुल, छठ पर्व को लेते हुए भी जितने महत्वपूर्ण स्टेशन हैं उस पर गश्त है, सारे ही स्टेशनों पर वैसे गश्त है। स्पेशल ट्रेन्स हैं, मुंबई बाउंड ट्रेन्स मुंबई से लेके जो भी जबलपुर के माध्यम से, जबलपुर से भोपाल के थ्रू एवं कोटा के थ्रू भी जो जा रही हैं उसमें भी उनका भी ध्यान रखा गया है। और काफ़ी सारी ट्रेनें ऐसी चलाई गई हैं जो कि इस मार्ग को, इस जो इस क्राउड को जो कि बम्बई से जनरली बिहार की तरफ जाता है उसको कवर किया जा सके। इसके अतिरिक्त वही ट्रेनों में डिप्लॉयमेंट है, RPF का अतिरिक्त डिप्लॉयमेंट है, स्टेशनों पे RPF का अतिरिक्त डिप्लॉयमेंट है, यात्रियों की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क है, अतिरिक्त टिकट काउंटर्स हैं, ये सारी फैसिलिटी रेलवे द्वारा प्रदान की गई है। तो जबलपुर में पश्चिम मध्य रेलवे के अधिकारी CPRO हर्षित श्रीवास्तव का ऐसा कहना है कि रेलवे हर संभव प्रयास कर रहा है ताकि ये क्राउड मैनेजमेंट हो सके। ट्रेनों की संख्या बढ़ाने के लिहाज से यहाँ पर स्पेशल ट्रेन जो है छठ पर्व के मद्देनज़र वो भी चलाने की बात कही जा रही है, लेकिन हम कहें कि रियलिटी में, ग्राउंड जीरो में, हकीकत में ये तमाम बातें जो हैं या जो आश्वासन हैं ये बेमानी साबित होते हैं, क्योंकि ट्रेनों में भीड़ जो है वो उमड़ रही है, लोग किस तरह से खचाखच इन डिब्बों में सफ़र कर रहे हैं, मजबूर हो रहे हैं, और इनको सिर्फ और सिर्फ सरकार से राहत की दरकार है, इन हालातों को बदलने की दरकार है। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर।